कृषि कानूनों और किसान आंदोलन पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों का सम्मान करती है, आंदोलन पवित्र था लेकिन आंदोलन जीवियों ने उसे अपवित्र किया। दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं। प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को देश की जरूरत बताते हुए इन्हें जबरन थोपे जाने के आरोपों पर भी जवाब दिया। मैं हैरान हूँ, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों। ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसने मांग नहीं की थी। बाल विवाह पर रोक, किसने मांग नहीं की थी कानून बनाओ। प्रधानमंत्री ने किसानों से एक बार फिर कहा कि आंदोलन खत्म करके बातचीत की तरफ लौटें। सरकार हर शंका का समाधान करने को तैयार है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान कांग्रेस ने हंगामा किया। प्रधानमंत्री ने एक बार अपना भाषण भी रोका। अधिरंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया जा रजिस्टर होना हो गया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी बताया तो कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ये पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी। प्रधानमंत्री ने हंगामे को सोची समझी रणनीति बताते हुए कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर भी सवाल उठाए। ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोकसभा के अंदर क्या होगा बिजनेस, हमारा स्टैंड क्या होगा, हम क्या करेंगे, उन्होंने दखल अंदाजी नहीं करते कभी, ये बिल्कुल गलत है। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। राहुल ने पीएम का नाम लिए बगैर आंदोलन जीवी के जवाब में उन्हें क्रोनी जीवी कहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज यूपी के सहारनपुर में किसान महापंचायत में शामिल हुई। लाल टीके में भगवा गमछा पहने प्रियंका ने पहले शाकुंभरी मंदिर में पूजा की। महापंचायत में प्रियंका ने कहा, कांग्रेस सरकार बनी तो तीनों कानून हटाएगी। आपके लिए क्या क्या किया गया था? अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये कानून रद्द किए जाएंगे, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, आपकी मदद के लिए कानून बनेंगे, आपको पीसने के लिए नहीं बनेंगे। यूपी में अप्रैल तक पंचायत चुनाव होने हैं। किसानों को अपनी तरफ खींचने के लिए कांग्रेस इस हफ्ते तीन और महापंचायत करेगी जिसमें प्रियंका गांधी जा सकती हैं। दौरे के आखिर में प्रियंका ने सहारनपुर में खानकाह शाह अब्दुल रहीम की मजार पर पहुंचकर जियारत भी की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आज तय हुआ, किसान तेज करेंगे आंदोलन। किसान 12 फरवरी से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा टोल फ्री करेंगे। 14 फरवरी को पुलवामा शहीदों की याद में कैंडल मार्च करेंगे। 16 फरवरी को किसान मसीहा सर छोटूराम की जयंती पर एकजुटता दिखाएंगे और 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन करेंगे। जो बीजेपी और जेजेपी के लोग हैं उनके जो MLAs हैं उनको अप्रोच करेंगे और अप्रोच करके उनको बोलेंगे भी या तो आप हमारे आंदोलन का सपोर्ट करो, डिमांड्स का सपोर्ट करो, नहीं तो आप इस सरकार का जो साथ छोड़ो या सरकार की गद्दी छोड़ दो। इस बीच गाजियाबाद की जिला अदालत ने शहर में धारा 144 लगाने को सही बताया। गाजियाबाद DM के आदेश को चुनौती दी गई थी। राम मंदिर का चंदा जुटाने वालों को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चंदा जीवी कहने पर अयोध्या के साधु संत नाराज हो गए। अखिलेश जी, अभी भी आप होश में आ जाओ, आप तो सदैव बाबर जीवी रहे हो, आप लगातार, आपके पिताजी और आप ने लगातार उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हिंदू जनमानस के ऊपर और मठ मंदिर साधु संतों के ऊपर जिस प्रकार से आपने प्रताड़ना दिया किया, यह सब जानता है, हर व्यक्ति जानता है। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने जवाब में अखिलेश यादव को दंगाजीवी कहा। हमेशा से इनको देश में दंगाजीवी के नाम से ही जाना जाता है। इनको आस्था होती है प्रभु श्री राम में, तो आज उनके भक्तों पर
इस तरह से जो समर्पण राशि दे रहे हैं एक भव्य राम मंदिर के लिए और अपमानित करने का काम किया है करोड़ों करोड़ हिंदुओं को देश के, ये इसके लिए माफी भी मांगना चाहिए। अखिलेश यादव ने चंदा जीवी शब्द कल लोकसभा में कहा था। जवाब में बीजेपी ने कहा था कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जबरदस्ती नहीं लिया जा रहा, पूरे विश्व के लोग अपनी इच्छा से दान दे रहे हैं। स्वदेशी सोशल मीडिया कू के मामले में आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को जवाब दिया है। सूत्रों का कहना है कि भारत सरकार ने ट्विटर को जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका के कैपिटल हिल मामले में ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक किया, 26 जनवरी की दिल्ली हिंसा को अभिव्यक्ति की आजादी माना, सरकार के बार बार नोटिस के बावजूद हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की, कभी ब्लॉक किया और फिर तुरंत उसे खोल भी दिया। यही वजह है कि अब भारत सरकार के मंत्री कू को तरजीह दे रहे हैं। दरअसल आईटी मंत्रालय ने स्वदेशी सोशल मीडिया कू को चुना है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत कई मंत्रियों ने कू को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ट्विटर ने आईटी मंत्रालय से बातचीत का अनुरोध किया था। दरअसल केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी सचिव के साथ बैठक से पहले माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने 500 अकाउंट पर कार्रवाई के बारे में जानकारी सार्वजनिक की। केंद्र सरकार ने ट्विटर के इस रवैये पर नाराजगी जताई है। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिंह सिद्धू से कई घंटों से क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। दीप सिद्धू से विदेशी फंडिंग, खालिस्तान और लाल किला हिंसा से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। आज ही लाल किला हिंसा के एक और आरोपी इकबाल सिंह को दिल्ली की 30,000 कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन की हिरासत मांगी और दलील दी कि इकबाल सबसे बड़े साजिशकर्ताओं में से एक है। दीप सिंह सिद्धू से इकबाल के लिंक के बारे में पूछताछ और 100 से अधिक वीडियो को सत्यापित कराने के लिए वक्त चाहिए। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि 26 जनवरी की हिंसा अचानक नहीं हुई, पूरी योजना के साथ हिंसा की गई। 30,000 कोर्ट ने इकबाल सिंह को 7 दिन पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया। इसके अलावा भारत सरकार ने खालिस्तानी आतंकी जीएस पन्नू के अमेरिका से प्रत्यर्पण की कोशिश तेज कर दी है। भारत से एक टीम जल्द ही अमेरिका जा सकती है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।